दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन के कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं पहली खबर क्या निकल कर आई है। मोदी ने लगवाई कोवैक्सीन तो अब अवैसी ने उठाया कोविशील्ड पर सवाल, जर्मनी का दिया उदाहरण। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान IMS में कोरोना का टीका लगवाया। पीएम मोदी को वही वैक्सीन दी गई जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और केरल के सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाए थे, यानी स्वदेशी कोवैक्सीन। पीएम मोदी ने कोवैक्सीन का पहला डोज लेकर इसको लेकर जारी विवाद पर लगभग विराम लगा दिया, लेकिन अब AIMIM सुप्रीमो लोकसभा सांसद असुद्दीन अवैसी ने कोविशील्ड को लेकर सवाल उठा दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन इन दोनों टीकों के साथ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। असुद्दीन अवैसी ने कोविशील्ड पर सवाल उठाते हुए जर्मनी सरकार के एक बयान का सहारा लिया है। उन्होंने कहा, जर्मनी सरकार के मुताबिक 64 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों पर कोविशील्ड इतना प्रभावी नहीं है जितना कि 18 और 64 साल के बीच के लोगों के लिए। क्या सरकार इसको लेकर जारी भ्रम को दूर कर सकती है? ओवैसी ने आगे कहा कि यह एक संयोग है कि पीएम ने आज भारत बायोटेक को कोवैक्सीन वैक्सीन लिया, हालांकि मैं सभी को टीकाकरण कराने का आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक लगवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि उन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी ने जनता से भी अपील की है कि वे कोरोना टीका जरूर लगवाएं। पीएम मोदी बिना तर्ज रूट के ही एम्स पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 6:25 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे, यहां उन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुडुचेरी की पी निविदा ने दी। बता दें कि आज देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है।